बिजली का काम करता घर में जाके। अब 6-7 माह हो गए और मैं बेडरूम में रहा हूँ। मैं मेरा ये ऐसा ही गुजारा सी, मैं ऐसा खर्चा साल मेरे पुत्र ने मैंने चुकी हुई सी। मेरा इलाज हो जाए मैं फिर से काम करने लगूं, मैं अपने वालदा को और चाहे करूँ, इनको दवाइये ला के दूँ। एक बार मेरा पुत्र सही हो जाए, मैं ऐसे नाल ही जीनी, ऐसे नाल ही मेरी सारी गल। ये कब से है आपको ये प्रॉब्लम और इस वक्त क्या कैफियत है? मुझे तो 3-4 माह हो गए हैं। एक ना दाना निकला था यहाँ पे, ठीक है, तो टेस्ट अस्पताल में जाते रहे, काम कराते रहे सारा, तो उन्होंने ना मेरा ऑपरेशन कर दिया, मेरे टांगे सारी, मेरा गला, मेरा होंठ, मेरा सारा कुछ काट दिया उन्होंने। बिजली का काम करता घर में जाके। अब 6-7 माह हो गए और मैं बेडरूम में रहा हूँ, मुझसे चला भी नहीं जाता। अल्लाह खैर करेगा, हिम्मत रखे इंशाल्लाह। मेरी दोनों टांगे जो है ना टांगों से भरी हुई है, काट टांगे लगे हुए, गला मेरा का, होंठ मेरा इधर से सारा उन्होंने काट दिए। फाइनेंशियली या पैसों के हवाले से दवाएं आने जाने का खर्चा, वो उसकी वजह से भी कुछ? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी वैसे नहीं है। किराए, गाड़ियों के खर्चे, अस्पताल, दो अस्पताल जाना पड़ता है, सर्वसर मोल, ठीक है, दवाइयों के खर्चे नहीं है, वैसे नहीं है, किधर से आएगी? आपको अपनी भी फिक्र होती है, वालदा भी कहते हैं कि आप ही की जिम्मेदारी पे। हाँ, वही काम करता था, निजाम सारा चलता था, तो 6-7 माह हो गए इधर ही बैठे हुए। तो ये अब इस सारे प्रोसेस में आपका ये जो आप सर्जरीज हुई हैं, आपका अस्पताल आना होता है, अपनी वालदा को भी देखते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात क्या लगती है? यही कि मैं बेड में पड़ा हूँ, मेरा इलाज हो जाए मैं फिर से काम करने लगूँ, मैं अपने वालदा को और चाहे करूँ, इनको दवाइयाँ ला के दूँ, रोटी पानी चाहे सारा कुछ करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इलाज हो जाए, मेरे सारे खर्चे हो जाए, दवाइयाँ आ जाए। अभी कितना दवाइयों का और बाकी जो चीज़ें का कितना खर्चा है, और वो पूरा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा? अभी तो बहुत कम ही होता, नहीं चला ठीक है। अभी डॉक्टर लिख के दे जा रहे, लिख के दे जा रहे, ये दवाई, ये वटी, टांगों की वटी है, गले की वटी है, मुँह की वटी है, सारा ये हो रहा है, कर रहे। मेरा ये ऐसा ही गुजारा सी, मैं ऐसा खर्चा साल मेरे पुत्र ने मैंने चुकी हुई सारी, मेरे दवाइयाँ दे, मेरा चाह दा, मेरा हर चीज आन जान का खर्चा मेरे पुत्र ने मेरा चुकया आया सी। तो मैं तो बड़ी परेशान, मेरे को मेरा की हाल हो गया, रो रो के वो सब मुझे तसली देता, मैं ना रोवो, मैं हो जाऊंगा ठीक, मैं कर लूंगा सारा ठीक। हो मैं तो फिर उसी तरह खर्चा चुकाऊंगा, फिर उसी तरह काम करावा, बस दुआ करो ठीक हो जाओ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तोड़े नाल ने सब। तो अच्छी गल देखो ना कि माशाल्लाह ताया जी, एक फिलहाल तोड़ा अपना घर भी नहीं ना? हां जी, किराए ते मैं वही ते घर आया, इथे आके रह रहे हो? मामा ही मांग नहीं आया। अल्लाह एक बार मेरा पुत्र सही हो जाए, मैं ऐसे नाल ही जीनी, ऐसे नाल ही मेरी सारी गल, जो दोस्त मेरा है पुत्र ने कहा दे, मैं अल्लाह ही किसे ना जाती। लेकिन आप एक कजन है, भाई है जाहिर है, तो आप पर क्या गुजरती है? आपने थोड़े अरसे पहले इनको ठीक ठाक देखा है, काम करते हुए, हंसते खेलते हुए, और अब? सर हम तो मेंटली तौर पर भी बड़ा परेशान है कि बिल्कुल ठीक ठाक हमारा भाई, मैंने कभी कजन समझा ही नहीं, हमारे कजन है ही नहीं, हमने भाई का है, हमेशा भाई का है, लेकिन एकदम से ये सारा प्रोसीजर बना, हमें पता ही नहीं चला। कहीं काम कर रहा था, कहता यार मैंने अपने मुंह से ना तार छीन लिया, हल्की सी तार टच हुई है इसको, बस घर आया, मैंने कहा यार इसको चेकअप करवाओ, चेकअप करवाया है, मेडिसिन लिया, ये कर, कभी पॉलीफेक्ट कभी कुछ, लेकिन उस मुताबिक ये रिकवर नहीं हुआ। लेकिन जब 10-15 दिन बाद मेरी वालदा ने कहा चलाओ मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पे जाके टेस्ट करवाया, लेकिन टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। अच्छा, टेस्ट में कुछ भी नहीं आया, लेकिन वो वहाँ पे एक डॉक्टर थी, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, डॉक्टर महविश, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि ये कैंसर ना हो, ये हो ही नहीं सकता ये कैंसर ना हो। उन्होंने फिर दोबारा इनका होंठ काटा है, होंठ काट के दो दफा होंठ काटा है उन्होंने, पहली दफा भी काटा है, दूसरी दफा भी काट के फिर चुकताई से तकरीबन 20-25 हज़ार के टेस्ट हुए, 80-90 हज़ार रुपये की ऑपरेशन की मेडिसिन आई है, वो स्टेपलर्स वगैरह ये वो सब कुछ, ये सब बहन भाइयों ने, कजनों ने मिलके इसका सारा किया। लेकिन ये कि सब जाहिर है ऐसा ही है कि रिस्क हलाल कमा के अपनी मुश्किल से कमाने वाले ही, ऐसा नहीं है कि सारे ज्यादा देर तक मदद कर सके, ऐसा ही ना। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, इसको बस हिम्मत ताकत दे रहे हैं कि अल्लाह इसको जल्दी से जल्दी सेहत याब करे। सारे टेस्ट करवाए, तो जब मैं जबरे वाले डॉक्टर के पास गया तो उसने ना वो CDM में दिखाई थी, CD पे सारे इसमें से CT स्कैन की रिपोर्ट थी, तो उसने ना इस तरह सर पकड़ा और इस तरह चला गया प्रोफेसर जो था। मैं उधर ना डर गया, इसको थोड़ी सी उन्होंने पूछी है, तो इसको मैंने बाहर भेज दिया, मैंने कहा यार आप बाहर जाओ तो मैं बात करके आता हूँ। तो उन्होंने मुझे ना अलग से लेके ये तक हर चीज़ बता दी कि आपके भाई का इतना ऑपरेट होगा, ये चीज़ हम करेंगे, ये चीज़ निकालेंगे, इतना मेजर होगा, कम से कम 8 घंटे लगेंगे। और उन्होंने कहा जी ये 50-50% चांस है, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखें। अल्लाह अकबर। आप क्या सोच रहे हैं कि क्या हो जाए तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी? मैं यही सोचता हूँ कि मेरे सारा ना खर्चे, दवाइयों के खर्चे, इलाज जल्द से जल्द हो जाए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपने वाऊ को खड़ा हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, फिर से काम करने लग जाऊं। वैसे यही है कि मैं जल्द से जल्द मेरे अस्पताल के आने जाने के खर्चे, उधर टाइम ना लगे ज़्यादा, मैं उधर अनुमान अस्पताल 2 घंटे खड़ा रहा हूँ, घर आ गए 4 घंटे में, लेट नहीं सका, इतनी मुझे दर्द नहीं है, कोई साहब ही नहीं है, तो यही चाहता हूँ कि मेरा अस्पताल आने जाने के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, जो सेहतमंद हो जाऊँ जल्द से जल्द, अपना काम करें, मैं अपना काम करूँ, मैं अपनी वालदा को वास रहूँ, सब कुछ करूँगा वैसे ही जैसे पहले था। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बस सबसे अहम बात ये होती है सब हो जाएगा अब इंशाल्लाह, कोई चीज़ रुकेगी नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारनी, ये एक काम है जो सिर्फ आपने करना है ना, वो ये कि आपने तगड़े रहना है, बाकी चीज़ें सब सेट हो जाएंगी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। दोबारा से अल्लाह ने चाहे हम अपने घर का काम भी आपसे करवाएंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सलामत रहें।